Hi, this is Mohammed Wasim, your grammar instructor. Today I gonna teach you when you are being introduced with someone first time. जब आपको पहली दफा किसी से मिलवाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है, introduce किया जाता है, तो first time जब हम किसी से भी मिलते हैं, for example मैं नहीं जानता कि फला साहब जो है Mr. John है, ठीक है, और जॉन को नहीं पता कि दिस इज मोहम्मद वसीम, राइट, कि उन्हें नहीं पता कि ये मोहम्मद वसीम साहब हैं। अब आप में से कोई जो है हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं कि भाई ये जो है मिस्टर जॉन है, और मिस्टर जॉन को कहते हैं कि ये मिस्टर जो है मोहम्मद वसीम है। तो इन दिस सेंस व्हाट वुड यू आस्क फर्स्ट, राइट, तो फर्स्ट टाइम जो आप आस्क करते हैं वो क्या होता है, दिस इज माई लेसन नंबर 12, this is my lesson number 12, right? And my channel Learn and Speak English. और मैं हर वीडियो में यही आपसे गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप जो है यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, करना ना भूलें। That's great. मुझे पता बहुत सारे लोगों ने किया है, और जिन्होंने किया है उनकी मोहब्बत और उनकी जो जो ताउन है उसका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मैं आपके तमाम के ताउन पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, राइट। तो फर्स्ट टाइम हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि हाउ डू यू डू, क्या क्या क्या, क्या सवाल करते हैं, हाउ डू यू डू, द आंसर ऑफ इट, और इसका आंसर क्या होता है, द सेम, एंड हाउ डू यू डू, एंड हाउ डू यू डू, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो है मिस्टर जॉन से मिलवाया जाता है और मैं इधर खड़ा हूं, तो मैं जॉन से क्या कहूंगा, हाउ डू यू डू, तो वो भी यही कहेगा एंड हाउ डू यू डू, राइट। अगर उर्दू में हम मिलते हैं किसी से फर्स्ट टाइम, आप जरा गौर करिएगा कि हम किसी से मिलते हैं, मिलने के बाद जो है हम कहते हैं आप कैसे हैं, और पलटकर वो भी यही कहता है और आप कैसे हैं, तो ये आप कैसे हैं और आप कैसे हैं ये सेम ही रहता है। जब सेकंड टाइम आप किसी से मिलते हैं तो मिलने में क्या है, सेकंड टाइम आप पूछेंगे हाउ आर यू, अब काफी और वेरिएशन है, ठीक है, कि आप कैसे हैं, आपकी कैसी गुजर रही है, हाउ इज गेटिंग अलोंग, राइट, हाउ हैव यू बीन अप टू, आप कैसे हैं, तो थोड़ा सा ये हो जाता है हाउ आर यू, ये सिंपल सेंस है कि आप किसी से भी पूछते हैं या कोई आपसे पूछता है। अब इसमें डिफरेंट वेरिएशंस है हमारे पास, अब आप पे बेस्ड करता है कि आप इसमें से जो अच्छा लगे आप वो यूज करें, एक दिन आपने ये यूज किया, एक दिन आपने ये यूज किया, ये यूज किया, तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, वेन यू हैव द डिफरेंट थिंग्स सो यू कुड शो द डिफरेंट थिंग्स ऑन द डिफरेंट डेज, राइट, दिस इज द मेन थिंग, राइट, तो मुख्तलिफ दिन पर जो है आप जो है डिफरेंट थिंग्स को जो है वो शो करेंगे, तो आंसर क्या है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, अब आप कह सकते हैं आई एम क्वाइट वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है, मैं गॉड के फजलो करम से ठीक ठाक हूं, राइट, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल, ये तो कॉमन जर्नल कहते हैं, आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम यूजुअल, आई एम यूजुअल, आई एम हैंकी डोरे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसका यही मतलब है, आई एम पिंक, अब ये नहीं कि आप पिंक हो गए, पिंक से मुराद ये है कि इन तमाम के सेंस वो ही है कि मैं ठीक हूं, बस अंदाज बदल गया है, क्या बदल गया है, अंदाज बदल गया है कि आई एम पिंक, मैं बिल्कुल पिंक हूं, यानी मेरे अंदर खून दौड़ रहा है, मांग मत लीजिएगा कम खून, ठीक है, आई एम फिट एज अ फिडल, मैं हट्टा कट्टा हूं, आई एम फिट एज अ फिडल, मैं हट्टा कट्टा हूं, I am as evergreen, मैं हमेशा की तरह सरसब्ज हूं, I am over the moon, मैं over the moon हूं, यानी चांद से भी ज्यादा अच्छा हूं, I am fresh as a dew drop, शबनम के कतरे की तरह तरोताजा हूं, I am fresh as an apple, मैं एक एप्पल की तरह फ्रेश हूं, बिल्कुल ठीक ठाक हूं, I am fresh as a flower, मैं एक खिले हुए फूल की तरह जो है बिल्कुल तरोताजा हूं। तो इन तमाम के जो सेंसेस थे हमारे, के याद रखिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ हाउ डू यू डू, राइट, सो व्हाट वुड यू से दैट हाउ डू यू डू, देयर इज नो आंसर, द आंसर वुड बी सेम एंड हाउ डू यू डू, व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड द क्वेश्चन बाय How are you? Or by a person with how are you? So you have different options.
A day you are saying this thing, second day you are saying this thing, third day you are saying this thing. So if you have the different things, so you would show the different senses of yours, that really you did not spoil your time, you did the things up to the mark, that's why you have many things. So if you have the things, you could use it. और यही मैं आपसे चाहता हूँ कि इन तमाम की आप प्रैक्टिस करें. It takes you to make a quran. ताली दोनों हाथों से बजती है. मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे. That is not fair. Keep it in your mind. Right? I hope that you got my today's lesson number 12. That and how do you do and how are you? इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें. और in days to come, you would be able to speak good English. और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बाय बाय.